खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के तहत जनपद में 15 अक्टूबर से 130 धान क्रय केंद्रों पर धान की खरीद शुरू की जाएगी, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजय पांडे ने बताया कि इस वर्ष शासन द्वारा 1,30,000 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य दिया गया है, जिसके लिए प्रत्येक 8 किलोमीटर की दूरी पर एक धान क्रय केंद्र खोला गया है, जहां किसानों का धान शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर खरीदा जाएगा। जिलाधिकारी के विजय पांडेय ने बताया कि शासन द्वारा इस वर्ष सामान्य धान का समर्थन मूल्य 1,868 रुपए प्रति कुंतल और ग्रेड ए धान का मूल्य 1,888 रुपए प्रति कुंतल है निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने किसानों से अपील किया है कि बिचौलियों के चक्कर में ना पड़ते हुए अपने धान को क्रय केंद्र पर बेचे और एक सप्ताह के भीतर आपका भुगतान आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजय पांडेय ने बताया, 15 अक्टूबर से हम लोग यहाँ से शुरू करा रहे हैं। वैसे तो अभी थोड़ा समय लगेगा, हम लोग का धान पक रही है। जैसे 130 सेंटर हम लोग इस बार करा रहे हैं, पिछले साल से ज़्यादा है। वैसे और भी डिमांड आता तो उस हिसाब से हम लोग बढ़ोतरी करेंगे। खासतौर पे 8 किलोमीटर मानक में एक सेंटर रहेगा, ताकि किसान का ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। उसी के हिसाब से सारे एजेंसी के साथ बातचीत हो गया, टाइप भी हो गया है, सभी के पास पैसा अवेलेबल है। उन लोग एक सप्ताह के अंदर जो किसान के खाते में पैसा पहुंचा देंगे। इस बार रेट भी बहुत अच्छा है और पैदावार भी अच्छा है, इस बार प्रोडक्टिविटी भी अच्छा है, इसलिए तो हम लोग को लक्ष्य भी ज़्यादा बढ़ के मिला है। पिछले साल से 30,000 मेट्रिक टन लक्ष्य हम लोग को ज़्यादा मिला है। पिछले साल 1,00,000 मेट्रिक टन का था, इस बार 1,30,000 मेट्रिक टन हमें खरीदने के लिए मिला है लक्ष्य। उससे किसान को फ़ायदा मिलेगा और रेट भी अच्छा खासा है। वैसे अच्छी क्वालिटी के लिए 1,888 रुपया है और जो नॉर्मल हाइब्रिड वाले का 1,868 रुपया का दाम में सरकार खरीदेंगे। और आपसे निवेदन है, आप बिचौलिया और बीच में किसी को लाइए मत, सीधे आपका धान को लेके आइएगा। बिना परेशानी आपको सीधे सीधे हम ले लेंगे। उसके पहले पंजीयन करा दीजिएगा, पंजीयन कराने के बाद आपको बैंक अकाउंट और आधार नंबर डिटेल दे दीजिएगा, खाता में आपको एक सप्ताह के अंदर पैसा पहुँच जाएगा।